दोस्तों आज के सड़े में हम बात करने वाले हैं सोलन के एपिसोड 216 की पार्ट 1 पर। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू होती है, हम देखते हैं कि टैंगसन दत्तरा स्नेक के सोलन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके साथ ही उनकी साइड पर जो यूथ देखने को मिलती है उस साथ में दत्तरा स्नेक रहने की यूथ तो नहीं लगता, एक किसी मॉन्स्टर का बॉडी हो सकता है। मगर जैसे टैंगसन अपने सोलन को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसके साथ ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जो कि शेव को अपनी तरफ अटैक करने लगता है ताकि वो टैंगसन पर इजीली अटैक कर सके, क्योंकि अभी के लिए उस मास्टर को भी पता होता है कि टैंगसन अभी के लिए अनकॉन्शियस में नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो टैंगसन पर अटैक करता है तो बहुत ही इजीली टैंगसन को किल कर लेगा। उसके साथ ही हम देखते हैं ये मॉन्स्टर शेव के पीछे से अटैक कर देता है। ये 3S डेमन बॉक्स सोल्वेस्ट होती है मगर शेव को इसके अटैक के बारे में पता चल जाता है, मगर शेव उसकी अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर शेव को ओपनली अटैक करने लगता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं ये पॉक्स अपनी जैसे क्लोन को बना देती है ताकि वो शेव को अपने क्लोन की तरफ अटैक करके टैंगसन को इजीली किल कर ले। जिसके साथ ही हम आते हैं शव के ऊपर जो कि कहते हैं ये काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, इस डेमन पॉक्स की एज 10,000 ईयर से ज्यादा लग रहे हैं। और उसके साथ शव दोबारा से कहते हैं क्या ये जगह डेमन पॉक्स रहने की जगह तो नहीं है जहाँ पर अभी के लिए हम लोग सोलन रिंग ऑब्जर्व करने के लिए आए हुए हैं। और उसके साथ ही हम देखते हैं आयुल पॉक्स दोबारा शव के ऊपर अटैक करने लगता है और अभी के लिए उस सारे क्लोन शव के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखते शव टैंगसन से कहते हैं ब्रदर तुम अपने सोलन को इजीली ऑब्जर्व कर लो, मैं सबको देखती हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। और उसके साथ इस पॉक्स के सारे क्लोन शव के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ शव इनको बहुत ही इजीली डिपेंड कर पा रही होती है। और उसके साथ शव कहती है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इन सबको मेरे अटैक के बारे में पहले से पता है। जैसे शव इन क्लोन के साथ फाइट कर रही होती है तो उसके साथ ही हम देखते हैं एक और क्लोन टैंगसन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके साथ शव टैंगसन को दोबारा से बचा लेती है। और उसके साथ ही उस पॉक्स से कहती है क्या तुम लोग हमें फॉलो करते यहाँ पर आए हो या फिर ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ पर छुपे हुए थे ताकि जब तक कोई भी शिकार यहाँ पर आराम से नहीं बैठ जाता तुम तब तक उनके ऊपर अटैक ना करो। और उसके साथ शव इन सब के साथ फाइट करते हुए शव को भी इस बात का आइडिया हो जाता है, बॉक्स टाइप का मॉन्स्टर जितने भी होते हैं और ज्यादातर अकेले रहते हैं और ग्रुप्स में ना तो किसी से अटैक करते हैं और ना ही शिकार करते हैं और ना ही ग्रुप्स में मिलकर रहते हैं। आखिरकार अब सब चल क्या रहा है, इनका ग्रुप्स इतना इजीली मेरे अटैक को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। अभी तक शव को भी इस बात का नहीं पता होता कि सारे मॉन्स्टर एक ही बॉक्स का क्लोन है, क्योंकि इस क्लोन की एबिलिटी होती इतनी ज्यादा पावरफुल, शव भी इनकी एबिलिटी को इतनी अच्छी से नहीं समझ पाते। जिसके साथ शव उसके 7 टाइल को देखती है, उसके साथ समझ जाती है क्या वो इवल पॉक्स तो नहीं, अपनी बॉडी को 7 पॉक्स में क्रिएट कर सकती है। शव को ध्यान इन सब क्लोन को कंट्रोल कर रही उस पॉक्स पर चला जाता है और उसके साथ ही वो शव डायरेक्ट आकर उस पॉक्स पर अटैक करने लगती है, जिसे डिपेंड करने के लिए वो पॉक्स अपने सारे क्लोन को शव के ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो अपनी मेन बॉडी को बचा सके। मगर जैसे सब वो सब शव के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो शव अपनी सेकंड सोल टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से वो पॉक्स इनके कंट्रोल में आ जाती है और उसके साथ शव अपनी फाइनल अटैक कर देती है, उसको पूरी तरह से किल कर देती है, जिसके साथ हमारा युद्ध दोबारा से चेंज होता है। हम लोग आज तांगाओ की ऊपर और यहाँ पर तांगाओ कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके साइड पर जानवर इस तरह से घूम रहे होते हैं कि इस ये सब रहते हुए काफी ज्यादा दोस्त बन चुके हो। और उसके साथ नेक्स्ट टू में देखते हैं आयन जो कि यहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर के साथ खेल रही होती है, जिसके साथ टैंगसन और शेव यहाँ पर आ जाते हैं और आते अपनी माँ को बाव करता है। टैंगसन अपने फादर से कहता है शेव अपनी हिप्नोसिस हेडबोन को ऑब्जर्व कर लिया है जो कि शेव को माइंड पावर को बूस्ट कर सकती है, जो कि 3 डेमन बॉक्स को किल करने के बाद आई है। शेव की सॉल पावर 76 हो चुकी है और उसके साथ टैंगसन अपने फादर को उसके साथ हुए सारे बात को बताने लगता है। उसके साथ ही कहता है कुछ दिन पहले जंगल के बीच वहाँ एम्पायर के लोग से मिले थे जिसको आइसन पार्क प्रोटेक्ट कर लिया था, मगर यहाँ पर हम लोग को ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं क्योंकि वो लोग यहाँ पर दोबारा से अपने लोगों के साथ आ सकते हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। जिस पर तांगा उसे पूछता है आखिर तुम क्या करना चाहते हो, उसके साथ हमारा दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट रूम में देखते हैं टैंगसन आयन को रिजर्वेशन करने के बारे में बात कर रहा होता है और उसके साथ तांगा टैंगसन से पूछता है लिटिल सन क्या तुम ये बात के लिए अश्योर हो, तुम अपनी मदर को ह्यूमन फॉर्म में रिस्टोर कर सकते हो। जिसके साथ टैंगसन कहता है डैड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, शव को रिजर्व करने प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे समझ नहीं है और उसके साथ साथ मेरी अपनी प्रोटेक्टिव स्पिरिट को लेकर काफी ज्यादा ऐसी राज हो चुकी है, इनके बारे में मुझे नहीं था पता। हालांकि इन सबको काफी ज्यादा नहीं मिल सकता मगर मेरा यूज किया गया तरीका मॉम को काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, जिसकी वजह से हमें डेली करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमें अभी ही स्टार्ट करना होगा। और उसके साथ आयन टैंगसन से कहती है अगर इस मेथड को यूज करने के बाद तुम अपने आप को हर्ट करने वाले हो तो मैं जिस तरह से रिकवर हो रही हूँ मैं ऐसा ही रहना पसंद करूंगी। और उसके साथ हम आ जाते हैं विजन के ऊपर जहाँ पर टैंगसन अपने फादर के साथ रहता था और उसके साथ आयन टैंगसन को सब एक्सप्लेन करने लगती है, जितने साल तुम्हारे फादर ने मेरे साथ गुजारा है उन्होंने तुम्हारे बचपन की लाइफ के बारे में देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करते थे, जबकि वक्त मॉम डैड उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो अपने बच्चे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तब के बाद हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं थे, हम अपनी कर्तव्य को नहीं निभाए, हम तुम्हें अच्छा चाइल्डहुड नहीं दे सके, तुम दोबारा से हर्ट करोगे तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिसके साथ टैंगसन उसे
रोक देता है, उसे कहता है मदर। हालांकि मैं अपनी बचपन की लाइफ में उतना अच्छा टाइम स्पेंड तो नहीं किया जितना कि दूसरे बच्चे करते हैं, मगर फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगा। आप लोगों ने मुझे पैदा किया है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सबसे बड़ी बात है। आप लोग ही मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं इन हर कामयाब के पीछे। आज मेरी इतनी पावर के पीछे सिर्फ आप दोनों का ही हाथ है, जिसकी वजह से आप दोनों को गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं। और उसके साथ थैंक्स सन यहाँ पर सारे मूड को फ्रेश कर देता है, जिसके साथ ही शिव कहते हैं फादर मदर आप दोनों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, थैंक्स सन दोबारा से अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। और अभी के लिए तो आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, जिसके साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चेंज हो जाता है। हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं थैंक्स अपनी मदर को रिवाइव करने प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और उसके साथ ही अपनी मदर से कहता है ये मेथड काफी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि मॉम भी उस पावर को फील करती है जो कि मेरे पास मौजूद है। और उसके साथ थैंक्स अपनी पावर को अपेयर कर लेता है, अपनी ब्लू स्वर एम्परर की पावर को यूज करने लगता है। और उसके साथ ही अपनी मदर से कहता है आपको सिर्फ उस पावर को फील करना है जो कि मैं अपनी एनर्जी के थ्रू पर आपको देने वाला हूँ। हम देखते हैं कि थैंक्स आइस एंड पावर के साथ साथ अपनी सी गार्ड अवतार को भी यूज कर रहा होता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं थैंक्स की साइड पर चार डिफरेंट टाइप की होल्स बन जाती है, जहाँ से मुझे लगता है कि थैंक्स चार डिफरेंट टाइप की वेदर की एनर्जी को यूज कर रहा होता है, ताकि वो अपनी मदर की ब्लू स्वर प्लांट की एनर्जी को जितना जल्दी हो सके उतना बूस्ट कर सके और उसकी मदर की रिजर्वेशन होने के चांसेस को उतना ज्यादा बढ़ सके। और यहाँ पर हम लोग थैंक्स चार डिफरेंट टाइप की वेदर व्यू को देख सकते हैं, जिनकी एनर्जी को यूज करने के बाद थैंक्स उन सारी एनर्जी को अपनी मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसके साथ ही आयन उन सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है और उसे फील करने लगती है। उसके साथ ही हम देखते हैं तांगाओ विजन क्यूब में चला जाता है, जहाँ पर तांगाओ आयन सेक्रीफाइस के दौरान एक दूसरे के साथ रहते थे। जितनी ज्यादा मेमोरीज गुजरे है वो सब हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ ही हम देखते हैं आयन की बॉडी ट्रांसफर होने के बाद एक सीड में बदल जाता है, जिसको थैंक्स लाकर जमीन के ऊपर दफना देता है और थैंक्स का ब्लू स्वर ग्राफ उस सीड को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और उसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट।